मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैंने व्लॉग शुरू किया गाड़ी के अंदर और मैं हूँ मंदिर के साथ। सुक्की जी आए कितनी है फीलिंग ले लो। देखो इसकी आज इन शॉर्ट हड्डी पता क्यों हुई है, क्योंकि ये जा रहा है स्काई ड्राइविंग करने और मैं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सिर्फ इसको कंपनी करने। तो देखो यार, मैंने प्रॉमिस किया था एवरी सैटरडे एक व्लॉग आएगा। लास्ट व्लॉग आया था बॉक्सिंग डे वाला, उसके बाद मौका नहीं लगा, हम बिजी बहुत हो गए। यार साल की बिगनिंग होती है, काम सबको होता है कि जॉब वगैरह सबकी जॉब चल रही होती है, ऊपर से हम तो दोनों हैवी हेल्थ केयर में, तो वहाँ तो आजकल वैसे ही आपको पता है। ये भी बहुत टाइम से था कि करनी है इसका तो इसने बुक कराई हुई थी। और हमारा क्या था, हमारा कोविड के टाइम में ना रीजनल एरिया बंद था, अक्टूबर की बुक कराई है, तो रीजनल एरिया बंद था, क्योंकि रीजनल एरिया में केसेस नहीं थे, तो वहाँ से कट ऑफ था ऑलरेडी। हम मेन सिटी में रहते हैं, सो इसलिए फिर अब खुला हुआ तो अब जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ कंपनी कर रहा हूँ इसको, मेरा कोई सीन नहीं है करने का। मैं भी लेके जा रहा हूँ कि पता चला वापस आए, सिर्फ न्यूज़ देने के लिए और गाड़ी वापस लेके जाने के लिए। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलते हैं, होपफुली एवरीथिंग गोज वेल एंड वी होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं वहाँ, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। सैटरडे है, छुट्टी है, छुट्टी है। और आजकल मैंने जिम भी शुरू किया हुआ है फॉर अ चेंज, मनवीर की वजह से। वो तो ये मेरे को आगे ले जाता रात को, नहीं तो मैं तो जिम जाने वाली पार्टी, पता ही है, खाने वाली पार्टी हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन होता है। क्या ये ऊपर जाके बोलता है भाई 100-200 ले ले नीचे उतारते। यार वो बदला यार, मैं उसी वीडियो देख के चढ़ूंगा ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। We are 5 minutes away. Yes. How are you feeling? Not too bad. Giving ठेका मतलब giving money and getting it. नहीं नहीं यार, lifetime experience. अच्छा. Adventure. Okay. कल हो ना हो. नहीं अगर अगर ना हुआ तो है? अगर ना हुआ तो ना हुआ, जितने में तो 10 साल बाद होना होते हैं। अच्छा मेरे को मतलब आप सिर्फ फिर मैं गाड़ी ले जाऊं वापस। नहीं नहीं यार, शुभ शुभ बोलो, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी। चलो कोई गल नहीं, ठीक है। आज तो 4 घंटे जाके उतरे, ट्रेनिंग ही करनी है 12 बजे। बेस्ट विशेस। थैंक्स होपफुली वी सी योर मुलेट अगेन। यार इतना सही नहीं आ रहा ना, यहाँ तो कूदने में भी मजा आए। इसका वेदर भी बहुत अमेजिंग है और इसने बिल्कुल सही दिन चूज किया है मुझे लगता है। नहीं तो अभी अभी कल ही बारिश होके हटी है, बारिश के गड्ढे बढ़ के हटे हैं। आई थिंक परफेक्ट डे टू जंप। परफेक्ट है, बस मैं सही सलामत ऐसे ही वापस आ जाऊं। और सबसे अच्छी बात है ये सोलो जंप कर रहा है, कोई ट्रेनर मतलब ट्रेनर आगे पीछे जंप करेंगे इसके, बट साथ में नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छी बात है सोलो जंप कर रहा है, उसमें असली नजारा है। आई थिंक सोलो जंप मतलब पैराशूट में, हां पैराशूट खुलने के बाद पता नहीं नीचे नहीं की गंदे। आई थिंक सोलो इज मोर एक्सपेंसिव देन, हां मतलब टैंडम इज लाइक व्हेन अदर पर्सन इज अटैच्ड टू इट लाइक इंग्लिश मार आ रही है। गुड ब्रो। नहीं अच्छा एक मिनट, जड़ी आ है कि कहने नू, हाँ आई है आई है। आई मीन जड़ी आ सिंगल वाली है, वो आई थिंक 500 दी है ते दूसरी 350। नहीं सिंगल वाली जड़ी है 350 समथिंग है, 300 मेरी जड़ी है, 500 दी मतलब जेरे विच बंदा नाल आंदा 350 दी है। हां
ਪਤਾ ਨੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਗ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ होपफुली मेरे को चार घंटे वेट करनी पड़ेगी बस इतनी सी बात है वो इसने Jumping out of the plane and shouting on the top of your voice. Right, I will. Maybe you can see my landing sab to mera badi prabhav putte dete tha. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈ 100-200 ਲੈ ਲੈ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਈ 200 ਲੈ ਲੈ ਮਨਵੀਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਬਾਈ 100-200 ਲੈ ਲੈ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 100-200 ਲੈ ਲਓ ਛੱਡੋ ਨਾ ਪਰ देखो भाई लोग हमें करती है घर निकाला वहाँ पे चल रही है क्लास और अब मैं होने वाला हूँ 4 घंटे बोर आप लोगों को नहीं करूँगा वही पार्ट डालूँगा वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है या फिर यू नो इन्फॉर्मेटिव है बट द प्लेस इज़ नाइस इट्स नॉट एक्सपेंसिव सबको फ्लैट रेट है यार हर जगह इट्स 500 फॉर अ सोलो स्काई डाइव टेंडम का सब हर जगह 350 है टेंडम जब आपके साथ कोई जंप करता है आप किसी के साथ जब जंप करते हो उसको टेंडम कहते हैं सो फार सो गुड लेट्स सी हाउ इट गोज़
What's up guys, I am back after a very good sleep of 3 hours. मनवीर अंदर अपनी ट्रेनिंग पे है क्योंकि वो सोलो कर रहा है और सोलो में होती है 3-4 घंटे की ट्रेनिंग, सो वो बिजी है तो मेरे पास कुछ था नहीं करने को. मैंने कहा मैं सो ही जाता हूँ. सो आई स्लेप वेरी वेल फॉर 3 hours. नाउ आई एम गोना गो इनसाइड एंड सी कि व्हाट इज इट. और तू ज्यादा 5 मिनट टाइम दस ला रहे लो भाई. मनवीर आ गया बाहर, टाइम दस दूंगा तुम्हें. 15 मिनट पढ़ ही रहा हूं मैं जो मैं ज्यादा करूंगा. हाउ वाज द स्टडी? स्टडी तो नींद आने लगी मैनू, थोड़ा कर लिया के दस. मैं कहा मैं जैसे इंडिया में नहीं पूछते होते बीच में टीचर उठा के पूछ लेता होता है, अच्छा बताओ मैंने क्या बोला बेचारे के साथ. वो हो रहा है भाई, सारे जवाब दिए मैं ऑन स्पॉट. मैं नहीं, सही है. कितनी देर में? सो गाइस, इतनी देर वेट करने के बाद टाइम हो गया है 1:05 और मैं तो पिछले पता नहीं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ. उसकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, पर अब प्रॉब्लम ये आई है कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है, विंड बहुत तेज़ है. सो इतने डेंस क्लाउड में वो जंप नहीं करने देते क्योंकि आप अगर क्लाउड्स में कहीं गुम गए तो वो आपको ढूंढ भी नहीं पाएंगे एंड इट इज़ वेरी रिस्की. सो फॉर नाउ द सीन इज दे हैव टोल्ड अस टू वेट फॉर सम आवर्स. अगर तो क्लाउड्स क्लियर हो गए तो आज जंप होगी. अगर होगी तो आपके साथ मैं वीडियो इसके बाद शेयर कर दूंगा, नहीं होगी तो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग. वेरी सॉरी कि बहुत ही फ्लैट व्लॉग था, बट दैट्स व्हाट इट इज़. आप नेचर से नहीं लड़ सकते, नेचर नेचर होती है. एंड यस, दैट्स अबाउट फॉर दिस व्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट. प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस. बाय.